दोस्तों अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो क्रिकेट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप आरएस एंटरटेनमेंट को तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ अपनी क्रिकेट नॉलेज से घर बैठे लाखों रुपए कमाने के लिए आप अभी नोस्ट्रा प्रो ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको मात्र 15 क्वेश्चंस के आंसर्स देना होगा और जिनके आंसर देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप अभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप इस ऐप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए ऑलरेडी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप आईपीएल 2019 के ऑक्शन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आईपीएल 2019 को लेकर क्रिकेट का माहौल एकदम गर्मा चुका है और जहां पर अब आईपीएल से रिलेटेड सभी चेंजेस टीम में किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर हो, प्लेयर्स को रिटेन करने को लेकर हो, प्लेयर्स को रिलीज करने को लेकर हो, और सभी टीम मैनेजमेंट अपनी अपनी टीम में कमियां पूरी कर रही हैं जो उन्हें पिछले सीजन में देखने को मिली हैं। और जल्द ही अब आईपीएल ऑक्शन होने वाला है, जहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिमरन हेटमायर की कीमत क्या रहने वाली है इस आईपीएल के लिए, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। हालांकि टी20 सीरीज में उतना खास परफॉर्म करके नहीं दिखाया, लेकिन अगर हम इनके स्टैट्स देखते हैं तो आपको भी सुनकर हैरानी होगी। सिमरन हेटमायर का इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट की बात की जाए तो इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस खेले हैं और 4 इनिंग में इन्हें बैटिंग मिली है और 4 इनिंग में 58 रन बनाए हैं इन्होंने 14.5 की एवरेज के साथ। यानी बिल्कुल बेकार परफॉर्म इन्होंने किया है इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में, लेकिन भारत के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुई यहाँ पर इन्होंने जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया था, अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है। साथ ही साथ अगर इनके सभी विदेश में जो टी20 लीग्स खेली जाती है इन सभी टी20 लीग्स की बात की जाए तो 18 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 17 इनिंग में इन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है और 498 रन बनाए हैं। यानी कहीं ना कहीं एक टी20 प्लेयर के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। 31.12 के एवरेज के साथ ये रन स्कोर करते हैं और ये रन्स इनमें खास बात यह है कि 144.34 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक रेट इनका दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है एक विस्फोटक बल्लेबाज है और आईपीएल में जिस भी टीम के पास जाते हैं तो ये अच्छा परफॉर्म करके ही दिखाएंगे और टीम को इनसे काफी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इनको अगर टीम को लेकर बात की जाए तो इस प्लेयर पर खास तौर पर दो टीम्स की बड़ी पैनी नजर बनी हुई है, वो टीम है मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। और मुंबई इंडियंस से नीता अंबानी जी ने पहले ही कह दिया है कि वो आईपीएल 2019 के ऑक्शन के दौरान सिमरन हेटमायर को जरूर से अपनी टीम में लेना चाहती हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो वो इन्हें अपनी ही टीम में लेकर रहेंगी। अभी देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स का टीम मैनेजमेंट इन्हें खरीद पाता है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी टीम इन पर बिड करने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।